अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं दो ही कंडीशन में फंसे हुए हो, या तो आप चाहकर भी किसी इंसान को पा नहीं सकते, और या तो आप उस इंसान को पा चुके थे लेकिन अब उस इंसान को खो चुके हो। या तो हम किसी को पा नहीं पा रहे तो हमें दुख होता है, और या तो हम उसको खो चुके होते हैं तो हमें दुख होता है। यानी कि आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है और या तो किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे सामने वाले को तड़पाते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी करते रहना। सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन से हमें इतना दर्द क्यों होता है, रिजेक्शन से हमारी इतनी फटती क्यों है, हम इतना शोक में क्यों चले जाते हैं, इतना डिप्रेस्ड क्यों हो जाते हैं। जबकि रिजेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है। आज नहीं तो कल आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। कितना ही दुख मना लो, कितना ही तुम शोक मना लो, रिजेक्शन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि रिजेक्शन को हम कहीं ना कहीं पर्सनली ले लेते हैं कि रिजेक्शन मतलब मेरे अंदर कमी है। कोई इंसान अगर मेरे प्यार को ठुकरा देता है, कोई इंसान अगर मुझे रिजेक्ट कर देता है, क्यों करता है, क्योंकि मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कमी होगी ना। अब जब इंसान कमी अपने आप में मान लेता है कि है और उसके बाद कमी ढूंढने लग जाता है, तो कमियों की कमी है क्या इंसान के अंदर? नहीं है। सबके अंदर लाखों करोड़ों कमियां होंगी और ढूंढने वाला तो क्या क्या ढूंढ लेता है। तो जब हम ये मान के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया या वो इंसान मुझे इसलिए छोड़कर किसी और के पास गया क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ऐसी कमी है, वैसी कमी है, और हम हजारों कमियां निकाल के बैठ जाते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी कमी होती है कि कहीं ना कहीं मैं ना अच्छा दिखता नहीं हूं, कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में दिक्कत है, कहीं ना कहीं मैं हैंडसम नहीं हूं, या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, या मैं हॉट नहीं हूं उस लड़की की तरह, इसलिए मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, देखो अगर तो ये बात सही है कि आपके अंदर कमी है, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़कर गया है, तो किस चीज का दुख मना रहे हो मेरे भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारे अंदर कमी है और उसका छोड़ना बनता था तो दुख मनाने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा हुआ भाई छोड़कर चला गया, उस कमी को दूर करो, लाइफ में आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खत्म, वीडियो एंड हो गया है ना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब सब कर दो। लेकिन ठहरो, लेकिन अगर आपके अंदर कमी नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसान आपको छोड़कर गया, जबकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, छोड़ने वाली कोई बात भी नहीं थी, तो उसके लिए दुख क्यों मना रहे हो? उस इंसान का तुम करोगे ही क्या जो बेमतलब में तुम्हें छोड़कर चला जा रहा है, बेमतलब में किसी को कुछ भी कर देता है, उस इंसान को तुम पास रखकर भी क्या करोगे? जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर सकता, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां नहीं देखता, बल्कि कमियां ऊपर से निकाल रहा है जबरदस्ती की, जो कि कमियां हैं भी नहीं, तो उस इंसान का तुम क्या करोगे? ये चीज हमें कभी भी समझ में नहीं आती। अब ये क्यों नहीं आती, इसका भी इलाज है। ये हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्यार करते करते एक फर्क भूल जाते हैं कि हमें सच में प्यार है या अब आदत का खेल चल रहा है। हम किसी को टाइम देते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से रोज रोज बातें करते 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 एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन चार हफ्ता जब बीत जाता, महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें यह समझना भूल जाते हैं कि क्या ये सच में अभी तक अट्रैक्शन है, सच्चा प्यार है या आदत है, ये है क्या? स्टार्टिंग में क्या था? अट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली। उसके बाद हम ये नहीं समझ पा रहे कि प्यार चल रहा है या आदत चल रही है। उसके बाद वो इंसान छोड़कर चला जाता है, आ जाता है, हमें दुख होता है, रिजेक्शन होता है, और हम कभी ये नहीं समझ पाते कि ये प्यार चल रहा था या फिर चल रही थी आदत। और इंसान इतना निकम्मा है ना कि इस आदत को ही ले लेकर परेशान होता रहता है कि यार मेरा मन कर रहा है मैं उस इंसान से दोबारा से बात कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि काश फिर से सारी चीजें सही हो जाए, या मेरा मन कर रहा है कि काश वो मुझे हाँ कर देती या हाँ कर देता तो आज हम इतनी खुशी खुशी रह रहे होते, क्योंकि मैंने इतने सारे सपने सजा रखे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उन सपनों का क्या होगा। देखो अगर ये सारी कंडीशन है तो इसमें गलती आपकी है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और वो जो इंसान आपको रिजेक्ट करके बैठा है और जो छोड़कर जा चुका है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गलती आपकी है। फालतू में आप इतने बड़े बड़े सपने बना लेते हो किसके नाम पे? प्यार के नाम पे। आप कभी भी समझने की कोशिश करते हो कि ये प्यार क्या होता है? नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप समझने की कोशिश करते हो, और जब हम कोशिश करते हैं तो बोल देते हैं ये प्यार है। कभी तो ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ऐसा किया हो जहां पर तुम्हें लगता हो कि क्या ये प्यार है, और तुम्हारा आंसर आया हो नहीं ये प्यार नहीं है? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्यार हलवा है। प्यार ऐसे कहीं भी हलवा बना लिया, सूजी का खा के खत्म कर दिया और बोला भैया सच्चा प्यार है, ऐसा नहीं होता। प्यार व्यार के चक्कर से थोड़ा हटो और समझो कि ये चल क्या रहा है। प्यार जिसको तुम कहते हो वो दो चीजें होती हैं, या तो किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, या तो किसी से अफेक्शन हो जाती है। या तो तुम अट्रैक्ट होगे किसी के प्रति, जब हम देखते हैं इनिशियली मेरे को कोई लड़की दिखी
बहुत अच्छी दिख रही थी, हॉट थी, क्यूट थी, बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी कोई भी चीज़ मुझको पसंद आ सकती है इंटरनली एक्सटर्नली जो भी है, तो मैं अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ। उसको ये ना कहना सही होगा कि मैं उसको प्यार कर बैठा हूँ, सच्चा प्यार हो गया, ये चीज़ कहना सही नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर मैं उसी इंसान से बात करने लग जाता हूँ जिसको शायद मैं इतना अट्रैक्टेड फील ना कर रहा हूँ उसकी तरफ, जिसको मैं इतना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर बात करते करते एक हफ्ते दो हफ्ते बीतते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, अफेक्शन फील होती है, तो सच में अट्रैक्शन नहीं है, ये आदत है। अट्रैक्शन इनिशियली होती है, अफेक्शन जब हम बात करते रह जाते हैं, जो आदत लग जाती है, उसको कहते हैं। इन दोनों ही चीज के बीच में प्यार कहां गया? और यही रीजन है कि जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको दुख होता है, क्योंकि आपको उसकी आदत लग चुकी है। और सुनने में बात बहुत कड़वी लगेगी, बहुत दुख होगा आपको, बहुत ज्यादा झटका लगेगा, और हो सकता है आप थोड़े उल्टे सुलटे वर्ड्स निकाल दो। मेरे लिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा दिल पे पत्थर रख के सुनना कि ये प्यार व्यार का ना नाटक थोड़ा ऐसा होता है कि जब एक कोई हमें इंसान छोड़कर जाता है ना, तो तब तक उसकी याद आती है जब तक हमें उससे अच्छा कोई इंसान नहीं मिल जाता। एज सिंपल एज दैट। और हम फ्रेंड्स तो बहुत बोलते रहते हैं लड़कों में कि भाई सच्चा प्यार अच्छा प्यार कुछ नहीं होता, पहला प्यार भुलाना आसान होता है, बस दूसरी वाली में दम होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर दूसरा वाला इंसान अच्छा होगा तो पहले वाले की याद कभी आएगी नहीं। एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, ये भी होता है कि भाई जो पहला इंसान जिससे हम मुलाकात किए थे, जो पहला रिलेशनशिप होता है, उसका धब्बा कभी जाता नहीं है। और क्या पहले रिलेशनशिप का ही नहीं जाता, पहले रिलेशनशिप की यादें जिंदगी भर बनी रहती हैं, या पहली कोई भी चीज होती है तो उसकी यादें बनी रहती हैं? आप लाइफ में पहली कोई भी चीज करोगे तो उसका एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप कोई भी सॉन्ग पहली बार कहीं सुनोगे और बाद में उस सॉन्ग को सुनोगे तो आपको याद आएगा कि ये सॉन्ग मैंने वहां सुना था। तो पहली बार आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो तो वो एक्सपीरियंस का जो इंपैक्ट है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, वो अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहला प्यार करोगे तो उसके भी थोड़े इंपैक्ट ज्यादा रहेंगे। बट देन ये थोड़ी मतलब है कि एक बार प्यार हो गया तो हो गया, प्यार भुलाई नहीं भूलता, सच्चा प्यार बच्चा प्यार, भाई इनसे जितना बच के रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। अगर तुम लाइफ में खुश रहना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्यार अपने ज़िंदगी से हटा दो। दो चीज़ें याद रखो, अट्रैक्शन और अफेक्शन, या जिसको तुम कह सकते हो अट्रैक्शन या किसी की आदत। अगर तुम ये दोनों चीज़ें समझ गए तो मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ टाइम खुश रहोगे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी को चीट करो, किसी को टाइम ना दो, किसी को टेम्परेरी बेसिस पर अपने पास रखो, किसी को धोखा दे रहे हो, जबरदस्ती शो ऑफ कर रहे हो कि प्यार है प्यार है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। जैसे तुम रहते हो लोगों के साथ वैसे रहो, अपने आप से कहना बंद कर दो कि प्यार है प्यार है। तुम उसको कहो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम उसको आई लव यू मत कहो, या ये मत बोलो उसको जाकर समझाने लगो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझको आदत है, मुझको अफेक्शन, ये फालतू बातें उससे नहीं करनी है। जैसी आपकी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ चलने दो। ये बस आपको समझना है कि अट्रैक्शन और हैबिट का ही खेल है, प्यार व्यार थोड़ा पीछे है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगी, ये चीज़ें याद रखो। तो ये लाइफ में चलता रहता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लोग अच्छे होते हैं लोग खराब होते हैं, हम उनको जज करने नहीं बैठे कि वो अच्छे हैं या खराब हैं, उसमें क्या कमी थी क्या नहीं थी। बस आपको ये समझना है कि लोग होते ही ऐसे हैं, दुनिया होती ही ऐसी है, ये दुनिया है, अब क्या ही करें। जैसे मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता तो मैं क्या कहता हूँ, लाइफ इसी का नाम है, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, लाइफ यही होती है, जिंदगी यही होती है। कोई इंसान मेरे साथ गलत कर देता तो मैं बोलता हूँ लोग ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं। लोगों को जज करोगे, बोलोगे कि इसने ये किया वो किया, चुगलियां करोगे उसको, कुछ कहोगे उल्टा सुलटा, गालियां बकोगे दूसरों के सामने, तो ये चीज सही नहीं है। इंसान की रिस्पेक्ट करते रहो, वो अच्छा है खराब है, गाली किसी को नहीं देनी, क्योंकि इससे आपका ही मूड खराब होगा। वो इंसान आपको छोड़ कर गया है, कोई बात नहीं, कुछ सिखा कर गया है। वो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं भैया, हमको सीखने को मिला है, कुछ कमी होगी तो सुधार लेंगे, कमी नहीं है तो उस इंसान का करेंगे क्या, जो कि ऐसे ही रिजेक्ट कर देता है, किसी को समझता ही नहीं है, और जिसको वैल्यू प्यार की नहीं, किसी को शक्ल की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, उस इंसान को लेकर तुम क्या करोगे लाइफ में, ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो अगर किसी वजह से वो आपको छोड़ कर गया है, उसको तुम सुधार सकते हो, वेल एंड गुड सुधार लो। और अगर वो वजह ऐसी है जो कि मायने नहीं रखती किसी इंसान के लिए, तो इंसान तब भी छोड़ कर गया तो उस इंसान का तुम क्या करोगे, ये भी सोचने वाली बात है। और जहां तक बात है कि उसको उसकी औकात दिखानी है, अकल दिलानी है उसको कि मैं ये हूं मैं वो, देखो सच बताऊं ना तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दे पाओगे। अपनी लाइफ पे जब तुम ध्यान दोगे, अपनी लाइफ में जब तुम ग्रो करोगे, अपने लाइफ में बहुत पैसे कमा लोगे, बहुत रुतबा हासिल कर लोगे, एक स्टैंडर्ड बना लोगे, या जो भी फेम नेम जो भी पैसा वैसा जो भी लगाना है लगा लो, जो भी एक स्टैंडर्ड लाइफ होते है वो कर लोगे, उसके बाद ही तो उसको तड़पा पाओगे ना। या वो लाइफ में ऐसे इसलिए तड़प जाएगा कि वो याद करेगा कभी, ओ माई गॉड वो मुझे इतना सच्चा प्यार करता था, ऐसा कोई नहीं होता। लोग इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आज नहीं तो कल
उसको अकल आएगी, उसको याद आएगा कि मैं उसको कितना प्यार करता था। अरे नहीं होता भाई, जिंदगी में हर एक इंसान आगे चल के खुश हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो कौन था कौन नहीं था। कभी कभार याद आ जाती है, कोई बात चलती है तो अलग बात है, लेकिन कोई किसी को याद करने नहीं बैठा। अपनी लाइफ पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, मेहनत करो, सक्सेस हासिल करो, और उसके बीच में प्यार व्यार का जो तुम नौटंकी करते हो वो भी करते रहो, बट याद रखो वो आदत है और अट्रैक्शन है ना। प्यार होना होगा, होगा जो होगा देखी जाएगी, शादी होगा उसके बाद देख लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें क्यों कुरेदे पड़े हो कि ये वो है, ये है, वो छोड़कर चला गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके अलावा कुछ सोचो लाइफ के बारे में भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, और जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे तो इंसान खुद ही तड़प जाएगा, और सच बता रहा हूँ वो ऐसा तड़पेगा ना आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, और जितना ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ जाएगा उतना ही आप उसको नहीं तड़पा पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, लाइफ में आगे बढ़ो, वो इंसान आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, आप नहीं समझ सकते, आप अभी तक उसके लिए बर्बाद हो रहे थे और होते रहोगे, बुरा मत मानना, बस यही सच है यार।